लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर पार्टी जोर शोर से मैदान में उतरने को तैयार है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने 11 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी सीट से बसपा ने उम्मीदवार बदल दिया है। जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया गया है। जानकारी के अनुसार बसपा की ये पांचवी सूची जारी हुई है। इस सूची में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटे लाल गंगवार पर पार्टी ने दांव खेला है। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा और फरुखाबाद सीट से क्रांति पांडे को टिकट मिला है। बांदा से मयंक द्विवेदी और डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। बलिया से ललन सिंह यादव और जौनपुर से श्रीकला रेड्डी, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफजाल अंसारी के सामने उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा गया है। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। गुलशन देव शाख के का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। दरअसल धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच जौनपुर की अदालत ने अपहरण और रंगदारी मामले में उनको 7 साल की सजा सुना दी, साथ ही 2 लाख रुपए जुर्माना भी ठोक दिया, जिसके बाद धनंजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें सीधा जेल का रास्ता दिखा दिया गया। सजा मिलने के बाद धनंजय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए श्रीकला ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। श्रीकला वर्ष 2021 में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई थी, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। अध्यक्ष पद के लिए उन्हें 43 वोट मिले थे। इसके बाद राजनीति में सक्रियता बढ़ी और पति धनंजय के साथ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में वो साथ नजर आने लगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। श्रीकला रेड्डी तेलंगाना की रहने वाली हैं और बड़े कारोबारी परिवार से उनका ताल्लुक है। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी भी विधायक रह चुके हैं, जबकि मां ललिता रेड्डी अपने ही गांव की सरपंच थीं। श्रीकला का विवाह जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से हुआ। वो धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है। बीते एक सप्ताह से श्रीकला जौनपुर में है, लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रही हैं। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भले ही सबसे ज्यादा हो, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा बरकरार रहा है। ब्राह्मणों की आबादी 15.72% है और दूसरे नंबर पर 13.30% के साथ राजपूत हैं। पर अब तक 17 चुनावों में 11 बार राजपूत उम्मीदवारों के जीतने का रिकॉर्ड रहा है। 4 बार यादव और 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशियों को भी जीत हासिल हुई है। वही मुस्लिम और एससी कैटेगरी के वोटरों की भी संख्या यहां काफी रही है। जौनपुर के लोकसभा सीट से अब तक 17 सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन स्वामी चिन्मय नंदी है जिनको सरकार ने पद दिया था। स्वामी ने साल 1999 में लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत दर्ज की। उस वक्त के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद मिला था। बाकी सांसदों के मंत्री बनने की ख्वाहिश आज तक अधूरी रह गई है। इस सीट की एक खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी आज तक हैट्रिक नहीं लगा सका है।